नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अपने ट्वीट की वजह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप झेल रहे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि हमसे अधिकतर लोग बहुत ही सीधा सोचते हैं, लेकिन कुणाल ऐसा नहीं करते। वो सिस्टम को इस तरीके से जवाब देते हैं कि वो अनुमान नहीं लगा पाते। उन्होंने ये बात कुणाल द्वारा माफी नहीं मांगने की बात पर कही है। इसके साथ ही जनता के रिपोर्टर के फाउंडर पत्रकार रेफर जावेद ने कहा है कि CJI बोबडे को कुणाल का ये केस जस्टिस चंद्रचूड को देना चाहिए और चंद्रचूड को वही बातें बोलकर केस को रद्द कर देना चाहिए जो बातें उन्होंने अर्नब के केस में कही थी। इसके अलावा भी कुणाल के समर्थन में आम लोगों के अलावा बड़ी हस्तियां भी उतरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर भारत को उकसाया गया तो भारत इसका प्रचंड जवाब देगा। मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे। जवानों को दिवाली की बधाई देने के बाद उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। ये एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इसके तहत कुछ दिन पहले ही नड्डा की महासचिवों की लिस्ट से बाहर किए गए P. मुरलीधर राव को अब मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, जबकि राम माधव को अब तक पार्टी में कोई पद नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि राम माधव RSS वापस लौट सकते हैं। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल होगा? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर दीपांकर भट्टाचार्य की टिप्पणी ने इस बात की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। दीपांकर ने कहा है कि वाम दलों को पश्चिम बंगाल और असम में BJP को ही नंबर एक दुश्मन मानते हुए भावी रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर तृणमूल कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है। उत्तर रेलवे ने कहा है कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण 41 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 11 ट्रेनों को गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले रोक दिया गया है। रेलवे का कहना है कि इस कारण प्रभावित होने वाली अधिकतर ट्रेनें दिल्ली कटरा रूट की हैं। बता दें, पंजाब में किसान संसद में हाल में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन में 4 सैनिक, 1 BSF जवान शहीद हो गए तो 6 नागरिकों की भी मौत हो गई है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कम से कम 6 की मौत हो गई और 3 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि दहाई की संख्या में बंकर उड़ा दिए गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब भारतीय राजनयिक को समन भेजा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वह भारत में ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इनकी ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इससे परंपरागत दवाओं के अनुसंधान और उसे लेकर प्रशिक्षण को भी बल मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ये सम्मान की बात है कि WHO ने पारंपरिक दवाओं के वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए भारत को चुना है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह देश दुनिया की फार्मेसी के तौर पर उभरा है, वैसे ही WHO का संस्थान वैश्विक स्वास्थ्य का केंद्र बनेगा। अमेरिका ने वर्ष 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी संगठन अलकायदा के भीषण हमले का बदला 22 साल बाद लिया। अमेरिका की ओर से इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जवानों ने ईरान की राजधानी तेहरान में छिपे अलकायदा के नंबर 2 सरगना अबू मोहम्मद अल मस्त्री को इस हमले की वर्षगांठ पर मार गिराया। इस दौरान अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की बहू भी मारी गई। अलकायदा के इस भीषण हमले में 224 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। भारत में एक दिन में 44,684 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 520 लोगों की जान भी गई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 87,73,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,29,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,80,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।